الجيش الأصغر. No one can stop me. जब भी हम मुश्किल में होते थे हम चिल्ला के उसे बुला। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बागी 3 मूवी के 4 दिनों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि मूवी का बजट क्या है, कितने स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है और कौन कौन से लोग इस मूवी में काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन पर जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों बागी 3 मूवी ये आ रही है 6 मार्च को, और इस मूवी में बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार जिनका नाम है टाइगर श्रॉफ, जिनको एक्शन के लिए जाना जाता है, वो इस मूवी में नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख भी हैं। दोस्तों अगर बात की जाए मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान, जो कि बागी 2 को भी वो डायरेक्ट किए थे और बागी 3 को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस मूवी की जो स्टोरी लिखी है वो फरहाद सामजी ने लिखी है, और मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियावाला ने। दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के टोटल स्क्रीन काउंट के बारे में, यानी इंडिया में कितनी स्क्रीन पे इसको रिलीज किया जा रहा है, तो इसको इंडिया में टोटल जो स्क्रीन मिली है वो है 4500, यानी 4500 की स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। अगर बात करें मूवी के बजट के बारे में, तो हालांकि अभी तक ने इसको क्लियर नहीं किया गया है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि इस मूवी का टोटल बजट क्या है, लेकिन जो माना जा रहा है वो इस हिसाब से 80 से 100 करोड़ के बीच में इसका टोटल बजट है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये 1 मार्च से इसका एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, और पहले दिन जो इसका कलेक्शन था वो 2,48,000 रुपये का था, दूसरे दिन जो कलेक्शन था 3,72,000 रुपये का, और तीसरे दिन ये मूवी 5,35,000 रुपये का कलेक्शन टोटल कर ली थी। और अगर चौथे दिन की बात करें और आज की बात करें, जो डाटा अब तक सामने आया ये 6,72,000 रुपये का टोटल कलेक्शन करके ये 16 से 17 लाख रुपए का आसपास का कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों इसमें आपको लग रहा होगा कि 3 से 4 दिनों में मूवियाँ अक्सर करके 3 से 4 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर लेती हैं, ये इस वजह से नहीं कर पा रही है क्योंकि इसमें सूर्यवंशी जो आ चुका है ट्रेलर, तो लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं कि मूवी ये देखें कि वो देखें, और सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं सूर्यवंशी को देखने के लिए, इस वजह से थोड़ा सा इस पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी मूवी बहुत ही एक्शन और बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाली है। और आपको क्या लगता है दोस्तों कितना कलेक्शन कर सकती है ये मूवी आपके हिसाब से? अगर आपने अब तक कौन सी मूवी को सेलेक्ट किया, बागी 3 देखेंगे या सूर्यवंशी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद जय भारत।